हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका बाराबंकी कोचिंग, बाराबंकी जीनियस कोचिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि एसटी डिस्कशन का सेशन चल रहा है और इसमें इंग्लिश की एसटी का डिस्कशन है। इस बार क्वेश्चन आपके सामने है और जल्दी से जुड़ जाइए ताकि आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकें। पहला सेंटेंस क्वेश्चन है, सेलेक्ट द सिनोनिम, सिनोनिम बताना है वीनियल का। वीनियल पहले तो इसका हिंदी में आप मीनिंग देखें, उसका हिंदी में मीनिंग होता है क्षम्य। क्षम्य शब्द बना है क्षमा से, क्षमा मतलब माफ़ी, यानी कि जिसको माफ़ी दी जा सके। यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसने कोई गलत काम किया लेकिन अब वो माफ़ी मांग रहा है और आपको लगता है कि इसका जो मिस्टेक है उसको हम माफ़ कर सकते हैं, तो आप क्या वर्ड यूज़ करते हैं? पार्डन। और एबल लग गया तो ये एडजेक्टिव बन जाता है, तो पार्डनेबल का मतलब जिसको माफ़ किया जा सके। तो पहला आंसर क्या हो गया, इसका सिनोनिम हो गया डी आंसर। ठीक भाई, सेकेंड देखिए, सेकेंड है डिफिडेंट। डिफिडेंट को हिंदी में कहते हैं आत्मविश्वास में कमी रखने वाला। ठीक, तो इसका जो आंसर है वो है कॉन्फिडेंट। आप सबको पता है कॉन्फिडेंट शब्द का मतलब होता है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस नाउन है। कॉन्फिडेंट जो है ये आपका एडजेक्टिव बन जाएगा, ही इज कॉन्फिडेंट। शाही का मतलब शर्मीला ये नहीं होगा, ब्रे मतलब बहादुर नहीं होगा, मीक मतलब दब्बू किस्म का होता है वो भी नहीं होगा। तो डिफिडेंट का आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन कॉन्फिडेंट। इसमें क्या बताना है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हाँ, इसको जरा देखिएगा, मैं फिर से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग देखनी है, तो मोनो एल ओ यू आ गया, ठीक, और इसमें एम ओ एल ओ जी, इसमें यू गायब हो गया इसलिए ये गलत हो गया, और एम ओ एल ओ यू जी ना ये भी नहीं होगा, तो कौन सा करेक्ट वर्ड होगा जल्दी से बताइए भाई। मोनोलॉग की स्पेलिंग में कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन एम ओ एल ओ जी यू ई। और इसको समझने के लिए मैंने अभी एक वर्ड लिखा था डायलॉग, डी आई एल ओ जी यू ई। तो देखिए एल ओ जी यू ई होता है, इसका मतलब डाई का मतलब होता है दो, जब दो लोगों के बीच में बातचीत होती है तो वो डायलॉग होता है। और मोनो का मतलब जैसा आपको पता है, मोनो मीन्स होता है एक, मोनो का मतलब जब एक व्यक्ति खुद से बात करता है तो वो मोनोलॉग होता है। तो ये स्पेलिंग भी करेक्ट हो गई और मीनिंग आपको क्लियर हो गया। ठीक, चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है, एरर करना है, वी मस्ट गो, गो यहां तक ठीक है, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, एंड कॉन्ग्रेचुलेट ये भी वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, ये भी ठीक है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है हिम सही है। अब यहां पर आपको फॉर क्या है, प्रपोजिशन है, वो लिखा मिल गया। आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस में अगर ये वर्ब लिखी है कौन सी, कॉन्ग्रेचुलेट, या इसका एक दूसरा सिनोनिम भी है कॉम्प्लीमेंट। कॉन्ग्रेचुलेट और कॉम्प्लीमेंट अगर लिखा है तो उसके बाद प्रपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। जैसे मैं तुम्हें तुम्हारी कामयाबी पर बताई देता हूं तो इसका होगा आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस। फॉर नहीं आएगा, एट नहीं आएगा, जो गलती आपको मिलेगी वो इसी पार्ट में होगी कि कॉन्ग्रेचुलेट और कॉम्प्लीमेंट के बाद ऑन यूज करिएगा। ठीक भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, माई ब्रदर, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलॉन्ग विद ये कंजंक्शन है, उसके साथ दूसरा नाउन जुड़ा है स्टूडेंट, यानी ए और बी पार्ट दोनों सही है। अब बात करते हैं आर गोइंग ऑन अ टूर। अब इसको समझने के लिए एक रूल मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, पढ़िए। जैसे मान ली यहाँ लिखा है विद, या इस सेंटेंस में लिखा है मतलब विद टुगेदर विद, एक और आपका होता है अलोंग विद, और एक होता है एज वेल एज, ऐसे एक होता है लाइक, एक होता है अनलाइक। ये सारे कंजंक्शंस की तरह काम करते हैं इस सेंटेंस में। तो रूल ये कहता है कि कंजंक्शन में यहाँ पर सब्जेक्ट वन लिखा होगा और यहाँ पर सब्जेक्ट टू लिखा होगा। ठीक, अब वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज होती है, वर्ब इज यूज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट नंबर वन, किसके अकॉर्डिंग, वन की आएगी। अब इसमें अलॉन्ग विद से पहले माई ब्रदर है, ये सिंगुलर है आपका, सही है, और हिज फ्रेंड्स ये है, ये प्लूरल। वर्ब आपको यूज करना है इसके अकॉर्डिंग, माय ब्रदर, तो यहां पर जो आर लिखा हुआ है इसको हटाना होगा और इसकी जगह आपको क्या लिखना होगा, यस, क्योंकि यस सिंगुलर आती है, आर प्लूरल, तो यही गलती है इसमें 5 नंबर में। ठीक है भाई, 5 का आंसर टिक करेंगे तो सी आंसर हो जाएगा 5।
क्वेश्चन नंबर सिक्स है, यू हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एग्जामिनेशन इजंट इट। चलो भाई इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये आपका क्वेश्चन टैग का पार्ट है। जैसा कि क्वेश्चन टैग आपको पता होगा, क्वेश्चन टैग में क्या होता है, ये पूरी बात कही जाती है और यहाँ पर जो सेंटेंस होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब लेते हैं आप। सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग में नॉट लगाते हैं, और यहाँ जो सब्जेक्ट लिखा होगा सेंटेंस का उसका प्रोनाउन फॉर्म यहाँ पर लिखा जाता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये जो हिस्सा है पूरा यही क्वेश्चन टैग बन जाता है। देखिए सेंटेंस पढ़िए, लिखा है यू हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एग्जामिनेशन। यहाँ पर सेंटेंस खत्म हो रहा है, ये क्वेश्चन टैग बनाना है। इस सेंटेंस में ये देखिए क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इज नहीं आएगा, क्या आएगा, हैव। और सेंटेंस अफर्मेटिव है तो नॉट लगाइए, हैवेंट, और यू ऑलरेडी प्रोनाउन फॉर्म में है तो यहाँ पर लिख देंगे, तो इसका हैवेंट यू होगा, इजंट इट नहीं होगा, क्या होगा, हैवेंट यू। क्योंकि क्वेश्चन टैग बनाने के लिए फिर ध्यान दीजिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, नॉट चाहिए, एंड कॉमा टी, और जो सब्जेक्ट है उसका प्रोनाउन यहाँ लिखा होना चाहिए। ठीक भाई, तो इसका आंसर होगा सी, सी पार्ट में मिस्टेक है इसमें। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स आर टू बी फिल्ड विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। ओके लिखा है क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, व्हाट गुड फॉर्च्यून, और ये लगा है साइन ऑफ एक्लेमेशन। व्हाट गुड फॉर्च्यून मतलब कितनी अच्छी किस्मत है, आई फाउंड द वेरी थिंग, मुझे वो चीज मिल गई, आई वॉज क्या, आई वॉज लुकिंग फॉर। अब देखिए लुकिंग फॉर, हाँ ये देखिए मिला, लुकिंग फॉर का मतलब भी होता है सर्च, ढूंढना या तलाश करना, सही। व्हाट गुड फॉर्च्यून, कितनी अच्छी बात है, कितनी किस्मत की बात है, आई फाउंड द वेरी थिंग, वेरी मतलब मुझे वही चीज मिल गई, आई वॉज लुकिंग फॉर, जिस चीज की मैं तलाश कर रहा था। चलो ये हो गया पहला। सेकेंड एट नंबर का क्वेश्चन है, द स्विमर हिज क्लॉथ्स एंड जंप इन टू द रिवर। अब देखिए कपड़े पहनने के लिए मैं आपको बताऊं, लोग एक फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं पुट ऑन। जैसे आपने कहा कि बाहर बहुत सर्दी है तुम जैकेट पहन लो, तो क्या होगा, पुट ऑन योर स्वेटर या जैकेट। इसी तरीके से यहां पर कपड़े उतारने की बात हो रही है, तो कपड़े उतारने के लिए पुट ऑफ नहीं आता, जनरली लोग पुट ऑफ करते हैं, लेकिन वो टेक ऑफ होता है, टेक ऑफ। जैसे अपने जूते उतारो, टेक ऑफ योर शूज बोलिएगा, पुट ऑफ नहीं होता। तो यहां पर देखिए टेक की सेकंड फॉर्म क्या लिखी है, टुक ऑफ। तो द स्विमर टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स एंड जंप्ड इनटू द रिवर, यानी स्विमर ने अपने कपड़े उतारे और पानी में कूद गया तैरने के लिए, जंप्ड इनटू द रिवर। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, आई विल डैश टू सिंगापुर मंथ, क्या होना चाहिए इसमें, आई विल लिखा हुआ है तो विल के साथ ट्रेवल्स तो आएगा नहीं क्योंकि एस एस नहीं लगता है, और विल के साथ दूसरी हेल्पिंग वर्ब एम भी नहीं आएगी। हाँ अब इसमें बचा बी ट्रेवल और बी ट्रेवलिंग, और आपको पता है कि अगर आई लिखा हो, आई कौन सा आई लिखा हो उसके बाद विल लिखा हो तो फिर बी लिखेंगे, तो आई विल बी और विल बी लिखते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है, आई एन जी। तो ये टेंस हमारा कौन सा हुआ, टेंस आपने पढ़ा होगा, ये हुआ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ओके तो ये बड़ा आसान हो गया, आई विल बी ट्रेवलिंग टू सिंगापुर मंथ। ठीक चलिए एडियम एंड फ्रेज, मेड लाइट ऑफ, पढ़िए और बताइए क्या आंसर होगा। डिड नॉट हियर, उसने सुना नहीं, ब्लू अवे, भाग गया, नहीं गलत है दोनों, ट्रीटेड इट लाइटली या कैरिड विद हिम। यहाँ पर देखिए मेड लाइट ऑफ, लाइट मतलब दो मीनिंग्स होती है, एक लाइट का मतलब जो प्रकाश होता है रोशनी, और एक लाइट का मतलब हल्का फुल्का होता है। ठीक है तो यानी कि ट्रीटेड इट लाइटली, लोग मजाक में कहते भी है ना कि तुमने मुझे हल्के में लिया, नहीं समझे, यानी कि किसी की बात को तवज्जो ना देना, उसकी बात को इंपॉर्टेंस नहीं देना, उसकी बात पर अटेंशन या ध्यान नहीं देना, इसके कहते हैं मेड लाइट ऑफ, ये इसका फ्रेज होगा। ठीक भाई चलिए, एवरी इंच अ जेंटलमैन, बहुत अच्छी बात है, एवरी इंच अ जेंटलमैन, इंच से क्या मतलब है, वैसे तो इंच आप देखते होंगे नापने के लिए इस्तेमाल होता है, फुट है, इंच है, सेंटीमीटर है, यहां पर एवरी इंच अ जेंटलमैन का मतलब
समवॉट तो कुछ कुछ होता है, गलत हो गया, पार्टली मतलब आंशिक नहीं होगा, कैलकुलेटिवली ऐसा तो है नहीं कि उसकी लंबाई चौड़ाई आप नाप रहे हैं ना, यहां पर एक शब्द मिला आपको एंटायरली, एंटायरली का मतलब होता है संपूर्ण रूप से, पूरी तरीके से वह व्यक्ति ईमानदार है, इंच, एक एक इंच कहते हैं, तो एवरी इंच अ जेंटलमैन मतलब एंटायरली, पूरी तरीके से, ठीक भाई। चलो गाल एंड वार्म वुड, चलो भाई अब ये देखो आपको इसमें कोई हिंट नहीं मिल रहा है पर इसको आपको सीखना होगा, गाल एंड वार्म वुड ये सिर्फ इसकी तरफ इशारा कर रहा है, यानी कोई इंसान है जो बोलता है तो जैसे निकलता है जहर उगल रहा है, हेटफुल स्पीच होती है, आपने हेट स्पीच पढ़ी होगी, आजकल सोशल मीडिया बहुत चलता है, तो हेटफुल स्पीच यानी ऐसी बात कही जाए जो दूसरों को क्या हो घृणा पैदा करे, उसको कहते हैं गाल एंड वार्म वुड, ठीक भाई। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट, इसमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड, ओके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया, लिखा है रफ रूखा वायलेंट हिंसक और ट्रबल सम यानी कि तकलीफ देने वाला, ऐसे इंसान को क्या कहते हैं, वैगाबॉन्ड नहीं कहते, वैगाबॉन्ड तो घुमक्कड़ होता है इधर उधर घूमने वाला, टॉकर मतलब बातचीत करने वाला, और स्विंडलर मतलब धोखा देने वाला, ये तीनों ऑप्शन खत्म। एक शब्द याद रखो टार्टर, जैसे इसका नाम ही है, टार्टर का मतलब तकलीफ पहुंचाने वाला, ये देखो लिखा है ना ट्रबल सम वायलेंट रफ, तो रूखा हिंसक और दूसरों को नुकसान देने वाला इंसान टार्टर कहलाता है, ठीक है। तो 13 का आंसर क्या हो गया ए। 14 पढ़िए, ये आदमी क्या है, ब्रेव है, बहादुर है, नोबल माइंडेड है, नेक इंसान है, और शिवेलरस, शिवेलरस का मतलब साहसी पराक्रमी ना डरने वाला, अब ये तीनों किसमें है, रेकलेस तो नहीं होगा क्योंकि ये लापरवाह होता है, रोबस्ट नहीं होगा क्योंकि रोबस्ट का मतलब सिर्फ हट्टा कट्टा स्वस्थ, अब कोई जरूरी नहीं है, कोई इंसान अगर तंदुरुस्त है तो वो बहादुर भी हो या नोबल माइंडेड हो सकता है कि उसका दिमाग गलत हो या उसके अंदर बहादुरी ना हो, हैंडसम भी नहीं हो सकता क्योंकि हैंडसम का मतलब होता है जो देखने में सुंदर हो, ठीक। यहाँ पर आपको तीन एडजेक्टिव कंबाइन करने हैं, क्या, ब्रेव होना चाहिए, नोबल माइंडेड हो और शिवेलरस हो, ऐसे व्यक्ति को गैलेंट कहते हैं, पराक्रमी, पराक्रमी योद्धा टाइप के जो लोग होते हैं जो अपने देश की खातिर अपनी जान तक दे देते हैं, ऐसे लोगों के लिए वर्ड यूज होता है गैलेंट। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है ऑब्सेशन विद बुक्स, जैसा ये शब्द है ऑब्सेशन का मतलब होता है जब हमको किसी चीज से सत्तर हो जाता है लगाव कि उस चीज के बगैर हम नहीं रह सकते तो हमारी आसक्ति बन जाती है, उसे कहते हैं ऑब्सेशन। किताबों का, तो किताबों के लिए आपने एक वर्ड पढ़ा होगा बिब्लियो, तो ये बिब्लियो मीनिया आपको देखिए आसानी से पहले मिल गया, ठीक। बाकी अगर आप चाहें तो बता देता हूँ, ज़िनोफोबिया नहीं होगा क्योंकि ये अजनबी या विदेशियों का डर है, मेगालोमेनिया ये भीड़ का डर है, और अर्गो होना चाहिए, अर्गो का मतलब भी जब आप भीड़ भाड़ से डरते हैं तो यहाँ आर नहीं है, अर्गोमेनिया होता है, एगोमेनिया नहीं होता, तो आंसर तो वैसे इसका होगा बिब्लियोमेनिया, किताबों का कीड़ा जिसको आप कहते हैं। चलो अब आ जाइए इम्प्रूवमेंट वाले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके एग्जामिनेशन में, इसमें यहाँ पर देखिए लिखा है द फार्मर्स वर्क एट द फील्ड, और इसी को रिमूव मतलब इसको रिप्लेस करना है, ऑन द फील्ड शायद नहीं होगा क्योंकि ऊपर काम नहीं होता है मैदान में, थ्रू द फील्ड्स मैदान के सहारे भी नहीं होगा, इन द फील्ड होता है, आप खेतों जैसे होता नहीं है किसान खेत में काम कर रहे हैं, हिंदी में भी आप बोलते हैं तो में के लिए इन आएगा, ऑन का मतलब ऊपर होता है और थ्रू का मतलब होता है के द्वारा, तो दोनों ऑप्शन गलत है, इसमें इम्प्रूवमेंट अगर करना है तो आपको यहाँ पर एट घटा करके इन लगा दिए, बाकी आपको सही हो जाएगा, ठीक भाई। नेक्स्ट 17 है द बॉस इम्पेशेंटली टोल्ड हिम टू गेट अप विद दिस वर्क, यहाँ पर देखिए एक शब्द यूज किया इम्पेशेंटली, पेशेंटली का मतलब होता है धैर्यता धैर्य के साथ, और इम्पेशेंटली मतलब अधीरता पूर्वक, यानी जब वो सब कबान टूट जाता है तो इम्पेशेंट हो जाता है आदमी, तो जो बॉस थे उसने इम्पेशेंटली मतलब जब उसका सब्र टूट गया तब उसने टोल्ड हिम क्या कहा टू गेट अप विद हिज वर्क, यहाँ पर पहली बार तो गेट अप नहीं आएगा क्योंकि गेट अप का मतलब आपको पता है गेट अप का मतलब होता है राइज या अवेक, जब आप रात में सोते हैं सुबह उठते हैं वो गेट अप होता है, यहाँ पर वर्ब आएगा टू गेट ऑन,
गेट ऑन का मतलब होता है प्रयासरत रहना या जो भी आपको काम दिया है उससे जुड़े रहना या संपर्क में बने रहना। कहते हैं ना गेट ऑन या टच ऑन, मतलब जैसे आप किसी मित्र से जाते हैं कहते हैं कि मुझसे संपर्क बनाए रखिएगा, तो गेट ऑन विद मी ये बोला जाता है। तो याद रखिएगा गेट ऑन का मतलब होता है टू बी इन कॉन्टैक्ट। तो यही होगा इसमें कि टोल्ड हिम टू गेट ऑन विद हिज वर्क, यानी कि अपने काम में लगे रहो या अपने काम के साथ संपर्क बनाए रखो। द जजेस रिमार्क ऑन द हाई स्टैंडर्ड ऑफ एंट्रीज फॉर द कॉम्पिटिशन। ओके, इसमें रिमार्क ऑन को रिप्लेस करना है, तो रिमार्क के साथ ओवर तो आता नहीं है तो ये तो होगा नहीं, रिमार्क एट भी नहीं होता भी। इसमें जो सबसे बड़ा ऑप्शन है वो है डी, क्यों? क्योंकि इसमें नो इम्प्रूवमेंट है। ये कभी कभी देखिए होता है कि हम लोग नो एरर नो इम्प्रूवमेंट को निग्लेक्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं है। समटाइम्स सेंटेंस करेक्ट भी होते हैं, उनमें से एक है इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा, ये सही है अपने आप में। ठीक भाई, 19 देखते हैं। ही डिड नॉट नो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड आई डिड नॉट आइदर। इसमें मिस्टेक है, मतलब इसको करेक्ट किया जा सकता है। ये कह रहे हैं कि ही डिड नॉट नो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, उसे नहीं पता कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, और मुझे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। जब इस तरीके से बोलना होता है तो ये होता है नाइदर डिड आई। देखिए ऑप्शन है वहां पर, जी बिल्कुल है, नाइदर डू आई नहीं होगा, डू इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां पर डिड लगा हुआ है, और आइदर इसलिए नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव बनाना है। तो ये दो ऑप्शन कट गए, कौन सा बचा? ये इंप्रूवमेंट तो होगा नहीं, मतलब नो इंप्रूवमेंट तो बचा, कौन सा ये होगा? नाइदर डिड आई। इसका मतलब ये हुआ, जैसे बहुत मैं आसान करके बताता हूँ, जैसे मैंने चाय नहीं पी, तो आप कह रहे हैं कि मैंने भी चाय नहीं पी, तो सेंटेंस कुछ ऐसे लिखो, ही डिड नॉट टेक टी। मतलब अगर आप लिख रहे हैं उसने चाय नहीं पी, और आप इसी बात को और रिपीट करेंगे कि मैंने भी चाय नहीं पी, तो क्या होगा इसका? इसका होगा बेटा नाइदर, पहले लिखो फिर लिखो डिड और फिर आई। यही चीज यहाँ पर देखो अप्लाई हो रही है, कह रहे हैं कि ही डिड नॉट नो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, उसको नहीं पता कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे की, और ना ही मुझे पता, नाइदर डिड आई। तो यही मैंने इसमें आपको कोशिश की अलग से बताने की। ठीक, देखिए इट इज अ प्लेस फार ऑफ हियर, नहीं, फार के साथ बाई नहीं आएगा, फार अवे नहीं होगा, फार के साथ फ्रॉम आएगा, फार फ्रॉम हियर। तो इसका ऑप्शन टिक कर लिए बी, इट इज अ प्लेस फार फ्रॉम हियर, यानी ये वो स्थान है जो यहाँ से ज्यादा दूर है यहाँ से। तो फार के साथ जब फ्रॉम लगाएंगे तब ये सेंटेंस का मीनिंग निकल के आएगा। ठीक भाई, चलो इसके बाद पैसेज एक दिया होगा आपको, एक 10 सेकंड के लिए आप जल्दी से पैसेज अगर रीड कर पाए तो रीड कर ले, फिर मैं आपको इस आंसर करता हूँ। प्लीज रीड द पैसेज, चलो मैं ही पढ़ लेता हूँ आपके साथ जल्दी से, आप सुन करके भी सीख जाएंगे इसको। लिखा है मैरी गार्डन अ नोटेड ओपेरा सिंगर अर्नड अ ग्रेट डील ऑफ मनी ड्यूरिंग हर कैरियर। नाम है मैरी गार्डन, उन्होंने एक ओपेरा सिंगर थी जिन्होंने अपने पूरे कैरियर में बहुत सारा पैसा कमाया, ग्रेट डील ऑफ मनी, बट वॉज कॉन्स्टेंटली बॉदर्ड बाई डिमांड्स ऑफ हर फादर। लेकिन वो लगातार अपने पिता की डिमांड से परेशान थी, फॉर मनी एंड ऑलवेज इन लार्ज सम्स, पैसे की खातिर, और वो भी छोटे मोटे पैसे नहीं, बड़े पैसे मांगते थे उनके पिताजी हमेशा उनसे। मिस गार्डन वुड ऑलवेज गिवन इट टू हिम, हमेशा मिस गार्डन को पैसे दे भी दिया करती थी। दो ऑफन शी वुड ऑफन कंप्लेन दैट हिज रिक्वेस्ट सीम समवट अनरीजनेबल, और कभी कभी उनको ऐसा लगता था कि उनके पिताजी की डिमांड कैसी है, अनरीजनेबल, जिसका कोई कारण नहीं है, लेकिन फिर भी वो मना नहीं करती थी, पैसे देती थी। टू दिस द स्टॉक रिप्लाई वॉज दैट ही नीडेड द मनी फॉर अ वेरी स्पेशल प्रोजेक्ट। इस बात पर उनके पिताजी का जवाब होता था कि मेरे को जो पैसे की जरूरत है वो एक स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए है। शी वॉज नॉट गोइंग टू रिफ्यूज हर फादर, वॉज शी? नहीं, वो अपने पिता को मना करने वाली थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ड्यूरिंग द डिप्रेशन, एक समय ऐसा आया वो डिप्रेशन में चली गई, लाइक मेनी अदर्स, दूसरों की तरह लॉस्ट हर मनी इन स्टॉक मार्केट क्रैश शॉर्टली आफ्टरवर्ड। उसके बाद क्या हुआ? हर फादर डाइड, उसके पिता की मौत हो गई। एंड मस्ट टू हर सरप्राइज, और आश्चर्य की बात यह है, शी वॉज नोटिफाइड, उसको सूचित किया जाता गया दैट की ही हैड लेफ्ट अ लार्ज बैंक अकाउंट इन हर नेम।
मतलब उसके पिताजी मर गए लेकिन एक बैंक अकाउंट में मिस गार्डन के नाम से उन्होंने अकाउंट खोला था और बहुत सारा पैसा उसमें छोड़ करके वो गए थे। He had saved for her every cent she had given him. पता है आपको, वो जितने भी पैसे मतलब यहाँ के पैसे वहां पर वो डॉलर या सेंट पे लेते थे तो एक एक पाई एक एक पैसा उसने उसके फादर ने उसके बैंक अकाउंट में जमा कर दिया था, एक भी पैसा खर्च नहीं किया था, सब कुछ सेव कर दिया था। The demands God makes on us may seem hard at times, but all the while He is actually helping us to store up an eternal bank account in heaven, one which may balance the scales in our favor. We least expect it. Troubles are often instruments by which God fashions us for better things. बहुत अच्छा लिखा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम पूरे हताश और निराश हो जाते हैं, हमें लगता नहीं कहीं से कोई भी उम्मीद की किरण है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैरी ने भी ये सोचा था कि वो तबाह हो गई, बर्बाद हो गई पैसे, लेकिन अचानक से उसके पिता की जब मौत होती है तो उसको पता चलता है कि उसके नाम से पिताजी ने बैंक में एक अकाउंट खोल रखा था और सारे पैसे जमा कर दिए थे। तो इस तरीके से ऊपर वाला हमारी मदद करता है और बैलेंस करता है कि जब हम दुख मुसीबत परेशानी में होते हैं तो हमारे जो अच्छे कर्म होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो हमको रिजल्ट भी देता है, और बाय विच गॉड फैशंस अस फॉर बेटर थिंग्स, और चीज़ें बेहतर हों ये ऊपर वाले की तरफ से प्रयास भी किया जाता है। ठीक, चलिए पहला सेंटेंस पढ़िए। क्वेश्चन, मैरीज फादर मेड डिमांड्स फॉर स्मॉल सम ऑफ मनी, लार्ज सम्स ऑफ मनी, नो मनी, अ रीजनेबल सम ऑफ मनी। देखो साफ साफ लिखा हुआ है लार्ज सम, पहला आंसर यहां से हो गया बी। चलो सेकंड देखो, मैरी डैश टू द डिमांड्स ऑफ फादर, कुड नॉट रिफ्यूज टू पे एनी अटेंशन, वॉन्टेड टू रिफ्यूज टू पे एनी अटेंशन, फाइनली रिफ्यूज टू पे एनी अटेंशन, या इनिशियली रिफ्यूज टू पे एनी अटेंशन। आपने पढ़ा था सेंटेंस में, उसमें साफ साफ लिखा था वो कभी अपने पिता को मना ही नहीं कर सकी थी, यानी कि वो हमेशा पैसे दे दिया करती थी। 23rd है, मैरीज फादर हैड डैश ऑल द मनी ही टुक फ्रॉम हर, उसने के उसके फादर ने जो पैसा लिया था उसका क्या किया, गैम्बल, जुआ खेल दिया, नहीं, वेस्टेड नहीं। आप देखिए यहाँ पर दो लोग मतलब दो ऑप्शन है, आप कन्फ्यूज होंगे, एक है इन्वेस्टेड और दूसरा है सेव्ड, बताइए क्या होना चाहिए। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो उसमें रिटर्न भी मिलता है कुछ दिन बाद, या उस पर रिटर्न के लिए इन्वेस्ट करते हैं, और बैंक में चूंकि जमा हुआ था बैंक में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, बैंक में सेविंग होती है, तो उसने पैसे को सेव किया था, तो इन्वेस्टमेंट ना लिखिएगा, सेव्ड करिएगा। ड्यूरिंग द डिप्रेशन, डिप्रेशन के दौरान मैरी डैश इन द मार्केट, स्टॉक मार्केट, क्या हुआ था, लॉस्ट नो मनी, लॉस्ट हर मनी, लॉस्ट सम मनी, लॉस्ट लॉट ऑफ मनी। नो का तो था ही नहीं, पैसा तो खोए थे उसने, सम का मतलब कुछ ऐसा भी नहीं है, लॉट मतलब ज्यादा ऐसा भी नहीं है, वहां पर लिखा था हर मनी, उसने अपना पैसा खो दिया। ठीक, नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, ही डैश व्हेन ही व्हेन वी लीस्ट एक्सपेक्ट इट, तो बताइए ही कैन बैलेंस द स्केल्स अगेंस्ट अस, ही यहां पर ही आया है गॉड के लिए, ये कह रहे हैं कि जो ऊपर वाला है जब हम बहुत लीस्ट एक्सपेक्ट, जब हम सबसे कम उम्मीद कर रहे होते हैं तो वो क्या चीज बैलेंस करता है पता है, ही कैन बैलेंस द स्केल्स इन अवर फेवर, यानी वो हमारे फेवर में चीजों को क्या करता है, बैलेंस कर देता है। तो यानी 25 का भी, जैसे इस केस में मिस गार्डन जो थी जब वो पूरे तरीके से टूट गई थी, हार गई थी, तब उनको उम्मीद नहीं थी कि कोई पैसा भी होगा, तो उसके फादर ने जो पैसा सेव किया था उसके नाम से अंत में जब उसको मिलता है तो ये चीज़ उसके फेवर में जाती है। फाइन, चलिए उम्मीद करते हैं कि चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।